हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो आज चैप्टर है 4 एंड फोर्थ चैप्टर का नेम है अ लिटिल प्लांट। लिटिल यानी छोटा, प्लांट यानी पौधा। ओके, सो ये चैप्टर देखते हैं हम। एक पोइट्री की तरह चैप्टर है जिसमें एक छोटे से पौधे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन इंट्रो दे देती हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि एक पौधे के बारे में आपको बताया गया है कि पौधे की ग्रोथ कैसी होती है, वो कैसे कैसे ग्रो करता है। ओके, सो क्या उसको क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो लेट्स गो। इन द हार्ट ऑफ अ सीड रन ए डीप, सो डीप, ठीक है, अ डियर लिटिल प्लांट्स लिव फास्ट अस्लीप। ओके, सो एक प्लांट के बारे में बताया गया। सीड यानी सीड मीन्स होता है बीज, ठीक है। तो मतलब दफन हो चुका है, कितने मतलब बहुत डीप यानी बहुत ज़्यादा गहराई में वो दफन है, ठीक है। और वो अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप, और तुम क्या जल्दी सो जाया करो। मतलब प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं कि प्लांट का जो सीड होता है, जब वो सीड होता है तो वो नीचे सॉइल में बहुत अंदर दबा हुआ होता है और वो जल्दी ही स्लीप यानी सो जाता है, कोई एक्टिवनेस नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। वीक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट, तभी सनशाइन प्रकाश की रोशनी और लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो थोड़ा सा ग्रो करता है। वीक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स राइट, और रेन ड्रॉप्स यानी बारिश के जब उस पर छींटे पड़ते हैं, बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं, तो वो धीरे 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 उस डीप प्लेस से थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। द लिटिल प्लांट हर्ड एट इट्स रोज टू सी वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, तभी वो जो लिटिल प्लांट होता है वो सोचता है कि ऐसा क्या है बाहरी दुनिया में, ऐसा क्या वंडरफुल है, ऐसा क्या अद्भुत है बाहर की दुनिया में, तो मुझे वो देखना चाहिए। और वो इसी तरीके से धीरे धीरे ग्रो करते हुए बाहर आता है और एक प्लांट बनता है। ओके, सो ये पोइट्री है KL ब्राउन की।